और इसके साथ एक टेक्स्ट बुक भी होता है जी, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जानते हो, जैसे कि हर सुबह का एक टेक्स्ट बुक होता है कि हमारा जो किताबों को प्रिंट करता है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड, नेशनल बुक फाउंडेशन, ये टेक्स्ट बुक है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ किताबों को प्रिंट करना है। अब यहाँ पर बात सुनो, सिलेबस इज द पार्ट ऑफ कोर्स, समझ आ गई? ठीक है, सिलेबस एंड कोर्स इज द पार्ट ऑफ करिकुलम, क्लियर है? सिलेबस इज द पार्ट ऑफ कोर्स, सॉरी कोर्स, सिलेबस एंड कोर्स इज द पार्ट ऑफ करिकुलम। जितने भी सारे माइनर टर्म्स हैं ये सारे करिकुलम का हिस्सा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन दोनों में बेसिक डिफरेंस को, करिकुलम को तो समझ आ गया। ठीक है, कोर्स का मतलब होता है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, कोर्स का मतलब होता है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, जबकि सिलेबस का होता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। यहां पर आप मेरी बात सुने, डिटेल का मतलब समझ आ गया कि जो काफी लंबा चौड़ा हो, एक्सप्लेन किया गया हो। ब्रीफ का मतलब है मुख्तसर, ठीक है, ब्रीफ का मतलब है मुख्तसर, इतना भी नहीं होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप सुनो, इसको हम बोलते हैं सीरीज ऑफ लर्निंग, सीरीज ऑफ कोर्स, नहीं बात सुनना अभी, सीरीज ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड कोर्स। कोर्स पर क्लास है कि अंदर कितने सब्जेक्ट आएंगे, मतलब इस्लामियात आएगा, उर्दू आएगा, बायो बायो है, जो भी कोई सात सब्जेक्ट आएंगे, सेवन सब्जेक्ट आएंगे, वो सेवन सब्जेक्ट क्लास एट के क्या है, कोर्स, समझ आ गए? अब इन तमाम सब्जेक्ट्स की आउटलाइन जो होगी आपको स्पेसिफिक टाइम में कवर करना है, सिलेबस के अंदर है, एंड आउटलाइन ऑफ द कंटेंट इज कॉल्ड सिलेबस, यू हैव टू कवर इन अ स्पेसिफिक टाइम। जी क्वेश्चन सर, ये एक बुक के भी अंदर हो सकता है क्योंकि एक